तो अब आ गए हैं लास्ट के 5 पॉइंट और उसके बाद एक त्रिवेणी संगम हमारा बचेगा, उसको करने के बाद में ये लगभग टूर पूरा हो जाएगा। और क्या क्या है वो तो आइए दिखाता हूँ मैं। तो ये है बलदेव जी की गुफा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक, कृष्ण भगवान के चरण पादुका और गीता मंदिर। तो इन सबको देखते हैं, तो अब इनको दर्शन कर लेते हैं इस रास्ते से, क्या क्या देखेंगे। जय हो 5 मंदिरों की सदा सदाए। जय हो प्रभु, जय हो। तो सबसे पहले गीता माता मंदिर के दर्शन। जय हो मैया गीता जी की। जय हो, जय हो, जय हो। सर्वप्रथम विश्राम। वाह क्या बात है, थकान महसूस हो रही है? बिल्कुल हो रही है। चेहरे पर तेज में थोड़ी सी कमी थकान के कारण, कोई बात नहीं, एनर्जी वापस लाई जाएगी। अभी त्रिवेणी संगम चल रहे हैं, वहाँ नहा भी सकते हैं। जय हो मैया गीता जी की। विशालकाय मंदिर, विशालकाय प्रांगण। जय हो श्री कृष्ण भगवान। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान का ये मनमोहक रूप बेहद ही खूबसूरत, और बाल गोपाल इधर विराजित मंदिर में और इनको झूला देते हुए एक असीम सौभाग्य आनंद की प्राप्ति की। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। आइए रोशनी में एक बार और आनंद लें बाल गोपाल जी को झूला झूलाने का। गीता के सभी अध्यायों का यहाँ वर्णन किया गया है, प्रथम अध्याय से लेकर के 18 अध्याय। तो दोस्तों बेहद खूबसूरत, हमारी वैदिक संस्कृति को, सनातन धर्म को जितना सराहा जाए उतना ही कम है, अन्य धर्मों का भी उतना ही आदर है, लेकिन ये सनातन धर्म, विस्तृत धर्म, इसका जितना वर्णन किया जाए, हम सनातन प्रेमियों के लिए, हम ईश्वर के सेवकों के लिए उतना ही कम है। तो ये आज गीता मंदिर का ये टूर बहुत ही संपन्न, और अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 5 मंदिर है टोटल। श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर अब देखेंगे यहाँ से, जिसकी एंट्रेंस है ये रही। दोस्तों बताइएगा कैसा लगता है धार्मिक टूर करना, कभी आपने किया है तो अपने अनुभव शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये धार्मिक टूर करना, इसमें थोड़ा चलना, थोड़ी मेहनत, थोड़ा पसीना। देखो सुबह क्या शक्ल थी, अभी क्या शक्ल हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इस समय तक थकान हो जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह चलना है, हालांकि टेम्पो में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति हो जाती है। चलिए चलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की। ये यहाँ मंदिर में काफ़ी देवी देवताओं की मूर्त स्थापित हुई हुई फ्लैक्स बोर्ड के रूप में, और लक्ष्मी नारायण जी यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी। तो सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, और भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जय हो। जय हो प्रभु, जय हो। बेहद खूबसूरत ये प्रतिमाएं, सजीव प्रतिमाएं, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है बस अभी ही हमसे संवाद कर जाए, करने लगेंगे, हमें हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देंगे, और ऐसा सौभाग्य मिल जाए तो समझिए ये जीवन धन्य हो जाए। इस जीवन में इसी प्रकार की मनोकामना हर प्राणी की होती है, पर आज कलयुग के अंदर ये परम सौभाग्य किसी किसी को ही मिलता है। वो परम सौभाग्यशाली कौन होगा, मेरी नज़र में कोई नहीं फिलहाल, लेकिन आपकी नज़र में हो तो ज़रूर से बताइए। और ये बेहद खूबसूरत परिदृश्य और बेहद खूबसूरत मंदिर किसी महापुरुष के पास होगा ऐसा तेज, जो भगवान से साक्षात
हाथों के माध्यम से आशीर्वाद ले सके, इससे बड़ी तो कोई प्रार्थना ही नहीं, इससे बड़ी तो कोई आशीर्वाद ही नहीं, इससे बड़ा तो कोई ब्लैसिंग्स ही नहीं। और ये क्या बताएं इस बारे में, ऐसा तो कल्पना मात्र ही है। बहुत ज़बरदस्त अपने को उस बारे में तपस्या करनी होगी, तब इस प्रकार का लाभ मिलेगा। चलिए तब चलते हैं आगे। ये जगह पानी के नज़दीक है, यहाँ चारों तरफ पानी दिखेगा आपको। किनकी? हाँ, श्री चरण पादुका, श्री गोलोक धाम, श्री कृष्ण चरण पादुकाएं। जय हो प्रभु, जय हो। ये अद्भुत दृश्य जिसका इस वीडियो में समाहित होना, यानी इस वीडियो में आ जाना, हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। आप लोग दर्शन करें और नज़दीक से दर्शन कराऊं मैं आपको। बेहद ही अविस्मरणीय ये पल, या यूँ कहूँ कि ये परिक्रमा भी हो गई है हमारी इस बहाने। और श्री कृष्ण भगवान की सदा सदा ही जय। भगवान के वो तीर उन्होंने ही मारा था, तो उसी बहाने से भगवान गोलोक धाम पर आए। सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पर बताते हुए। और ये सुंदर पानी का नज़ारा दिखाता हूँ नज़दीक से, बेहद ही खूबसूरत ये पानी का नज़ारा। हालांकि हरे रंग का हो रखा है पानी, यानी भरपूर मात्रा में काई है इसके अंदर, शैवाल है। मेंटेनेंस पर निर्भर करता है कि कोई चीज़ किस प्रकार से रहेगी, लेकिन तीर्थस्थल के पास इस प्रकार से पानी होना शुभ संकेत है, यानी कि जनमानस के अंदर तरक्की समृद्धि ये सदैव बनी रहे, इस प्रकार से इसका लाभ हमें मिलता है।